नमस्कार, आप देख रहे हैं पाइनियर हरियाणा और मैं हूं आपके साथ भारती दुबे। आज हम जानेंगे देश और दुनिया की ताजा और बड़ी खबरें। तो चलिए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर। दिल्ली से हिमाचल तक आसमानी आफत, रिकॉर्ड स्तर पर यमुना का पानी, कसौल में 15 रूसी पर्यटक फंसे। पश्चिम बंगाल में काउंटिंग के बाद जमकर हिंसा, एक शख्स की हत्या, एएसपी को लगी गोली, बमबारी और गोलीबारी से थर्राया दक्षिण 24 परगना। बेंगलुरु में विपक्षी बैठक में शामिल होंगी सोनिया गांधी, बीजेपी के खिलाफ 24 पार्टियां होंगी एकजुट। एशिया कप के लिए टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं जाएगी, शरीफ के मंत्री की गीदड़ भभकी पर बीसीसीआई का पलटवार। देहरादून जिले में बोल्डर की चपेट में आया टमाटर लेकर मंडी जा रहा वाहन, 2 की मौत, 4 घायल। खतरे के ऊपर यमुना, पुराना लोहे का पुल बंद, पुरानी दिल्ली स्टेशन से 14 ट्रेन परिवर्तित रूट से चली, कई रद्द। बंगाल पंचायत चुनाव, टीएमसी को ग्राम पंचायत की 28,985 सीटें, बीजेपी को सिर्फ 7,764। 4 महीने में कूनो के 7वें चीते की मौत, गर्दन पर घाव मिला, आपसी संघर्ष में मरने की आशंका। ब्रजभूषण की महिला पत्रकार से बदसलूकी, सवाल पूछने पर जबरन गाड़ी का दरवाजा किया बंद। किस किया गले लगाया, कमर में डाला हाथ, मध्य प्रदेश के झाबुआ में आदिवासी छात्राओं से छेड़छाड़ करने के आरोप में एसडीएम गिरफ्तार। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें और ऐसी अन्य तमाम खबरों के लिए बने रहिए पाइनियर हरियाणा के साथ। नमस्कार।